नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि 2024 का पांचवा दिन है। आज के दिन माता के भगत शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन माँ शकंद माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। इस त्यौहार का महत्व सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भक्त पवित्रता प्राप्त करते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगते हैं और माँ की कृपा और शक्ति मिलती है, लोगों का जीवन सुखद हो जाता है। सनातन धर्म में त्योहारों का महत्व बहुत ही अधिक होता है। सो आज शारदीय नवरात्रि 2024 का पांचवा दिन है। शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन, इसमें शकंद माता की पूजा की जाती है। आइए इस पूजा का क्या महत्व है और कौन से मंत्र इसमें जपे जाते हैं। शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को है। आज के दिन माँ शकंद माता की पूजा होगी। नवदुर्गा के 9 रूपों में से ये पांचवी देवी है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हुई थी। देखते देखते माँ दुर्गा की आस्था और भक्ति का यह 9 दिवसीय त्यौहार और पांचवें दिन तक पहुँच चुका है। आज 7 अक्टूबर को नवरात्रि का पांचवा दिन है, जिसमें माँ शकंद माता की पूजा होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन की अधिष्ठात्री माँ शकंद माता है, क्योंकि ये शकंद या कार्तिकेय की माता हैं। इनकी मूर्ति में भगवान शकंद कार्तिकेय इनके गोद में विराजमान हैं। इस दिन योगी का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने पर समस्त लौकिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और माँ शकंद माता में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह निरंतर उपासना में ही डूबा रहता है। शकंद या कार्तिकेय या कुमार अनेक नाम से भी जाने जाते हैं। इनका वाहन मोर है। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब ये देवताओं के सेनापति थे। शकंद माता के दाहिने हाथ में निचली भुजा में कमल का फूल है, बाएं हाथ में वर मुद्रा धारण कर रखा है। ये शुभ वर्ण की हैं। शकंद माता पूजा का महत्व, माता सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। उनकी भक्ति से हम इस लोक में सुख का अनुभव करते हैं। इनकी भक्ति से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इनके पूजन के साथ कार्तिकेय का भी पूजन हो जाता है और मंडल की देवी होने के कारण वे संपूर्ण तेज से युक्त हैं। विशुद्ध मन उनकी आराधना अत्यंत लाभदायक है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। स्त्रियां इस दिन हरे या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं।
ऐसे ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में माता की सुबह से ही पूजा अर्चना जारी है। कैसे माता की पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, किस तरीके से माता आपकी पूजा स्वीकार करेंगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाई राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि माता के में कार्तिकेय अपने आप में ही एक योद्धा माने जाते हैं, और जैसे कि आप बता रही हैं राखी जी कि पूरी शिक्षा शस्त्र की अस्त्र की माता ने ही दी है, होता है और जब वो माँ बनती है। तो अगर आप में से कोई भी महिला ऐसी है जिसका अभी तक तीसरा जन्म नहीं हुआ और माँ के पुत्र नहीं है आप और हम सब भी हैं, तो जो आप पूरी दुनिया को भोजन या भंडारा नहीं करा सकते, तो छोटे छोटे बच्चों को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन्हें भोजन करा सकते हैं। किसी है कर्क राशि वालों को करना है, और उसके सिंह बता दे, कन्या राशि वाले अगर करना चाहे तो एक काम जरूर कर ले कि आप का पालन करने वाली, किस तरह से उन्होंने सृष्टि को बनाया, उसके बाद कार्तिकेय को जन्म दिया, फिर शिक्षा दी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको अगर आप माँ की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मर गए और हम उस दुनिया में चले गए। हम अपनी बीमारी से बड़े तकलीफ में होते हैं, हम कष्टों से बड़ी तकलीफ में होते हैं, हमें कई बार अपनी पुरानी यादों से मोक्ष चाहिए होता है, हमें कभी कर्जे से मोक्ष चाहिए होता है, कभी हम किसी ऑफिस में ऐसा स्टक हो गए होते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हमारी जॉब बदलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको माँ के मोक्ष को कलयुग से जोड़कर बता रही हूँ, ठीक है? अब हम हिमालय पे जाकर तो कोई मोक्ष हमें चाहिए नहीं। तो ये कष्ट और तकलीफें तो माँ के सारे रूप आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। माँ सुख सुविधाएं देती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है, समाज में आपको जीने की ताकत देती है, और माँ की एक मुस्कान आपको शिक्षा भी देती है। तो याद रखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, आज आपको माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर पल भर के लिए भी माँ ने आपको गोद में बिठाकर अपना आशीर्वाद दे दिया तो आप पढ़ाई में तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी साबित होंगे निश्चित रूप से। और ऐसे में माता का आशीर्वाद यदि आप पे पड़ता है तो फिर बल्ले ही बल्ले मानेंगे इसको। तो हिंदुओं के लिए नवरात्रि के जो त्योहार है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें इंसान की सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आज पांचवें दिन लोग शकत माता की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में धूमधाम है, लोग आ जा रहे हैं और श्रद्धालु बड़ी तमन्ना के साथ माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नवरात्रि का पांचवां दिन माँ शकत माता का सम्मान करता है, जो मातृत्व और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्हें भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। भक्तगण प्रार्थना और प्रसाद के माध्यम से सुरक्षा, शक्ति और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। दिव्य स्त्रीत्व के पोषण संबंधी पहलुओं का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है। पांचवां दिन माँ दुर्गा के पांचवें अवतार पूजनीय माँ शकत माता को समर्पित है। यह दिन भक्तों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो मातृत्व, करुणा और सुरक्षा के आशीर्वाद के लिए शकत माता की पूजा करते हैं। शकत माता, जिन्हें शकंद की माता या भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, मातृत्व के सार का प्रतीक है। एक पालन पोषण करने वाली आकृति के रूप में वह प्रेम, सहानुभूति और माँ की देखभाल की अटूट शक्ति जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके नाम का अनुवाद कमल सिंहासन वाली देवी है, जो उनकी दिव्य कृपा को दर्शाता है। माँ शकत माता को आमतौर पर एक भयंकर शेर पर सवार दिखाया जाता है, जो अपने बच्चे मुरुगन, जिन्हें कार्तिक के भी कहा जाता है, को गोद में लिए हुए हैं। पीले रंग की पोशाक पहने हुए उन्हें चार हाथों के साथ चित्रित किया गया है। ऊपरी दो हाथों में वह कमल के फूल रखती हैं, जबकि उनके दाहिने हाथों में से एक मुर्गन को गोद में लिए हुए है और दूसरा अभय मुद्रा में है, जो सुरक्षा और निर्भयता का प्रतीक है। माँ को अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है, जो उनकी पवित्रता और दिव्यता पर
और अधिक जोर देता है। स्कंद माता की पौराणिक कथा। माँ स्कंद माता से जुड़ी कथा प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए, जबकि राक्षस तारकासुर के देवताओं पर अत्याचारों ने देवताओं को मदद के लिए बेताब कर दिया। यह पता चला कि तारकासुर को हराने का एकमात्र तरीका भगवान शिव के पुत्र के माध्यम से था, जिसका भी जन्म होना बाकी था। सती के अवतार माता पार्वती ने शिव का स्नेह पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मिलन हुआ और कार्तिकेय का जन्म हुआ। अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और अंततः राक्षस तारकासुर को पराजित किया। इस जीत ने उनकी माँ पार्वती को स्कंद के रूप में गौरवान्वित किया, जो स्कंद की माँ थी, जिसने ऐसे शक्तिशाली योद्धा के पालन पोषण में उनकी भूमिका को उजागर किया। आध्यात्मिक लाभ और विश्वास। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा से भक्तों का मन शुद्ध होता है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक सार से जुड़ जाते हैं। प्रेक्षक अक्सर शांति की भावना का अनुभव करते हैं, विशुद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं, जो सभी दिशाओं में शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने वाली अवस्था है। चेतना की यह उच्च अवस्था भक्तों को नकारात्मक विचारों को दूर करने और खुद को दिव्य भक्ति में लीन करने में सक्षम बनाती है। इस शुभ दिन पर भक्तों को अपार शांति और तृप्ति मिलती है, जिससे उनकी गहरी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है, माँ स्कंद माता का आशीर्वाद समृद्धि, सफलता और ज्ञान लाता है, भक्तों को मोक्ष और दिव्य सुख के मार्ग पर ले जाता है। प्रार्थनाएँ और अर्पण। पांचवें दिन की शाम की शुरुआत पवित्र स्कंद माता पूजा से होती है, जिसे पारंपरिक वस्त्रों का उपयोग करके किया जाता है। भक्त अनाज और पानी से भरा मिट्टी का बर्तन तैयार करते हैं, साथ ही पवित्र जल, सिक्के और दुर्वा घास से भरा एक कलश भी रखते हैं, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। पूजा के दौरान बोलने जालने वाला मंत्र, सिंहासन गता नित्यम पाश्रित कर दुआ शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशविनी। जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ता है, भक्तगण माँ स्कंद माता के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पवित्रता और मातृत्व की मूर्ति के रूप में उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा से उन्हें विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी और उनकी आत्मा शांति और आनंद से भर जाएगी। इस दिन केले और इलायची से बना एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे माँ को चढ़ा जाता है। प्रसाद में गंधम सुगंध, पुष्पम फूल, दीपम प्रकाश, सुगंधम मिठास और नैवेद्यम भोजन भी शामिल है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करना मातृगुणों की खोज और सुरक्षा और प्रेम की सहज इच्छा का प्रतीक है। भक्त अपनी जरूरत के समय उनकी ओर मुड़ते हैं और अपने जीवन में आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी शक्तिशाली उपस्थिति की कामना करते हैं। इसके साथ ये वीडियो क्लिप भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, नमस्ते।
से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में माता की सुबह से ही पूजा अर्चना जारी है। कैसे माता की पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, किस तरीके से माता आपकी पूजा स्वीकार करेंगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य वाय राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाय राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि माता के में कार्तिकेय अपने आप में ही एक योद्धा माने जाते हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं राखी जी कि पूरी शिक्षा शस्त्र की अस्त्र की माता ने ही दी है, होता है और जब वो माँ बनती है। तो अगर आप में से कोई भी महिला ऐसी है जिसका अभी तक तीसरा जन्म नहीं हुआ और माँ के पुत्र नहीं है, आप और हम सब भी हैं, तो जो आप पूरी दुनिया को भोजन या भंडारा नहीं करा सकते, तो छोटे छोटे बच्चों को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन्हें भोजन करा सकते हैं। किसी है कर्क राशि वालों को करना है, और इसके सिंह बता दें। कन्या राशि वाले अगर करना चाहें तो एक काम जरूर कर लें कि आप का पालन करने वाली, किस तरह से उन्होंने सृष्टि को बनाया, उसके बाद कार्तिकेय को जन्म दिया, फिर शिक्षा दी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको अगर आप माँ की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मर गए और हम उस दुनिया में चले गए। हम अपनी बीमारी से बड़े तकलीफ में होते हैं, हम कष्टों से बड़ी तकलीफ में होते हैं, हमें कई बार अपनी पुरानी यादों से मोक्ष चाहिए होता है, हमें कभी कर्ज से मोक्ष चाहिए होता है, कभी हम किसी ऑफिस में ऐसे स्टक हो गए होते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हमारी जॉब बदलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको माँ के मोक्ष को कलयुग से जोड़कर बता रही हूँ, ठीक है? अब हम हिमालय पे जाकर तो कोई मोक्ष हमें चाहिए नहीं। तो ये कष्ट और तकलीफें तो मां के सारे रूप आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। मां सुख सुविधाएं देती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है, समाज में आपको जीने की ताकत देती है, और मां की एक मुस्कान आपको शिक्षा भी देती है। तो याद रखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, आज आपको माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर पल भर के लिए भी माँ ने आपको गोद में बिठाकर अपना आशीर्वाद दे दिया, तो आप पढ़ाई में तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी साबित होंगे निश्चित रूप से। और ऐसे में माता का आशीर्वाद यदि आप पे पड़ता है तो फिर बल्ले ही बल्ले मानेंगे इसको। तो हिंदुओं के लिए नवरात्रि के जो त्योहार है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें इंसान की सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आज पांचवें दिन लोग शकत माता की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में धूमधाम है, लोग आ जा रहे हैं और श्रद्धालु बड़ी तमन्ना के साथ माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।